हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। हमने पिछली बार हाइड एंड सीक एक शॉर्ट फिल्म का रिव्यू किया था, आप लोगों को बहुत पसंद आया था। उसके बाद मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि बीबी की वाइंस का जब नया वीडियो आया तो आप उसको प्लीज़ रिव्यू करें और समझाइए कि वो क्यों इतना हिट हो जाते हैं, क्यों लोग उनको इतना पसंद करते हैं। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए कि वो अलग अलग करेक्टर कैसे बनते हैं, वो शूट कैसे करते हैं, उनकी बातें लोगों को पसंद कैसे आती है। तो उन सब चीज़ों को लेकर जो वीडियो अभी उनका नया रिलीज़ हुआ है, मुझे नहीं जाना, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट पे उन्होंने बनाया लेकिन बहुत अच्छा वीडियो बनाया, उसको मैं आज रिव्यू करूंगा आप लोगों के लिए। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे, भले वो फेक ऑडिशन पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। तो बीबी की वाइंस यानी कि भुवन बाम बहुत ही पॉपुलर यूट्यूबर है, टॉप यूट्यूबर है कॉमेडी कंटेंट में। और सबसे अच्छी बात इनकी ये है कि जब भी ये कंटेंट लेकर आते हैं अपना, वो लोगों को पसंद आता ही आता है। उसकी क्या खास बातें, इस वीडियो को रिव्यू करके हम लोग देखते हैं। मुझे नहीं जाना, जब बहस मत कर मेरे साथ बेटा, जल्दी आ जाएंगे। आप लोग हमेशा मेरे साथ जबरदस्ती करते हो, मैंने कभी आपको बोला है मेरे दोस्तों की बर्थडे पार्टी में चलो, हम तो तैयार बैठे। अगर आप इसकी शुरुआत ही देखेंगे तो समझ जाएंगे, बहुत एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है एक जो दो जनरेशन के बीच में होता है कि माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे उनके साथ जाएं कहीं पर उनके दोस्तों के पास, लेकिन ज़्यादातर बच्चे बिल्कुल भी जाना नहीं चाहते। ये बेसिक चीज़ है जो हर घर में होती है, उसी चीज़ को उन्होंने अपना मेन कंटेंट बना लिया, सेंट्रल आइडिया बना लिया। और इसी वजह से, क्योंकि वो घर में जो गुजरता है लोगों के ऊपर उसी चीज़ को लेकर आते हैं, इसलिए लोगों को पसंद आता है। हम जब कॉमेडी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं बहुत सारे यूट्यूबर्स या अदर लोग, तो क्या सोचते हैं कि कुछ हम क्रिएट करके हंसाएं, लेकिन जो घर घर में हो रहा है, हर जगह हो रहा है, अगर आप उसको लेकर आएंगे तो लोग रिलेट कर पाएंगे और उसके साथ जुड़ पाएंगे। तो ये एक बात बहुत अच्छी है इनके हर बार के काम। बैठे हैं सुबह अखबार, शाम को बार, हम कोई बार बार में नहीं जाते, दोस्त के घर बैठते हैं। दूसरी जो अच्छी बात है कि आप देखेंगे डायलॉग सारे वन वन लाइनर है, और वन लाइनर जब एक करेक्टर बोल रहा है फिर दूसरा अपोजिट करेक्टर जब बोलता है तो ह्यूमर क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पर जो करेक्टर है उनमें कॉन्फ्लिक्ट है, एक पिता है एक बेटा है, तो बाप और बेटे के डायलॉग का बिल्कुल फॉर्मेशन भी अलग है। बाप कैसे कैसे एग्जांपल दे रहा है कि मेरे दोस्त के साथ में क्रिकेट खेलता था, वो बोल रहा है मुझे नहीं खेला, मतलब उनने वो जनरेशन का ध्यान रखा है भुवन बाम ने कि बाप बोलेगा तो किस तरह की लाइन बोलेगा, बेटा बोलेगा तो किस तरह की लाइन बोलेगा। जैसे दो दो रुपये जोड़ के छत बन जाती है, बाप बोला है, खासतौर से जितने भी फादर लोग होते हैं इसी तरह के एग्जाम्पल देते हैं, या मोमबत्ती के नीचे मैं बैठ के पढ़ाऊँ, उसका काउंटर अटैक उन्होंने आज की जनरेशन के हिसाब से किया। इसलिए जो यंगस्टर होते हैं वो एकदम कनेक्ट कर जाते हैं। वो कूड़े वाले को पैसे दे दूंगा, सफाई वाले को, कूड़ा तो हम फैलाते हैं वो तो साफ करता है। और दूसरी बात ये होती है कि कॉमेडी के साथ साथ क्या आपको इस सोशल मैसेज भी दे रहे हैं। आप देखेंगे बड़े अच्छे से उन्होंने एक मैसेज यहां पर पिरो दिया अपने स्क्रिप्ट में कि वो बोल रहे हैं कि कूड़े वाले को पैसा दे देंगे। अब नॉर्मली हम घर में ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन उसको उन्होंने काउंटर क्या किया, कूड़ा तो हम फैलाते हैं वो तो सफाई वाला है। तो यहाँ पर कॉमेडी के साथ साथ उनने जिम्मेदारी भी निभाई है। हेलो आंटी। हेलो। हेलो केजरीवाल। अब यहाँ पे चौथा करेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ जो कि भुवन बाम ही निभा रहे हैं, लेकिन उन्होंने हेलो करते ही जो फादर वाला करेक्टर है भुवन बाम का उसको कहा हेलो केजरीवाल। अब इससे क्या होगा, पूरे इंडिया की ऑडियंस बड़ी आसानी समझ जाएगी, क्योंकि मफलर एकदम उनका हिट है उससे, कि उसको केजरीवाल कह के वो संबोधित कर रहे हैं। मैं प्ले स्टेशन ले आया, अब खेलेंगे फीफा। फीफा? इस्तीफा, इस्तीफा दे दिया आरडी शर्मा ने अपनी। कॉमेडी में एक बात और होती है जब भी हम राइटिंग करते हैं कि कोई ना कंफ्यूजन होना चाहिए, कंफ्यूजन से एक नया एरर क्रिएट होता है और उससे एक कॉमेडी और क्रिएट होती है, वो इसमें इन्होंने बखूबी किया है। जैसे ही चौथा करेक्टर आया तो बातचीत में कुछ नई बात आ गई और उस नई बात को जमाने के लिए, छुपाने के लिए एक कॉमेडी क्रिएट हो रही है। भुवन बाम बहुत सालों से वीडियो बना रहे हैं, बहुत अच्छे वीडियो बना रहे हैं। आप अगर एक एक करके बात देखेंगे, पहली बात करता हूं मैं एक्टिंग की। भुवन बाम ने बहुत अच्छे से समझ लिया है कि ऑडियंस को कैसे करेक्टर पसंद आते हैं, लेकिन अपने करेक्टराइजेशन पे बिल्कुल वो स्टिक हैं। जब आप फादर वाला करेक्टर देखेंगे उनका, बिल्कुल वो अलग है। अगर माँ वाला करेक्टर देखेंगे तो आप देखेंगे उनका बोलने का स्टाइल, इवन उनके जो डायलॉग्स हैं बिल्कुल अलग हैं, बेटे वाले फॉर्म में बिल्कुल अलग हैं। और अब चौथा करेक्टर जो आ रहा है वो भी अलग है। इसके अलावा वो अलग अलग वीडियोज़ में अलग अलग करेक्टर भी इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन लिखने के हिसाब से भी बिल्कुल अलग डायलॉग्स होते हैं, पंचेज अलग होते हैं, और परफॉर्मेंस के हिसाब से तो होता ही है। दूसरी बात है एडिटिंग, बहुत शार्प एडिटिंग की गई है, बहुत अच्छी एडिटिंग की गई है। शूटिंग वाइज आप जानते हैं कि वो मोबाइल से शूट करते हैं और एक हाथ से मोबाइल पकड़ के एक्ट भी करना नेचुरली बहुत मुश्किल काम होता है, इतना आसान नहीं होता, लेकिन वो बखूबी कर रहे हैं इस बात को। और इसके साथ साथ बैकग्राउंड म्यूजिक, कॉमेडी हो, इमोशनल ड्रामा हो, फिल्म मेकिंग में बैकग्राउंड म्यूजिक की बहुत बड़ी अहमियत होती है। और मुझे लगता है इन्होंने काफ़ी कुछ सर्च करके इसको किया होगा, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है इस तरह से म्यूजिक को वहां पे सही जगह पे बैठाना, क्योंकि म्यूजिक की वजह से वो सीन, वो डायलॉग, वो पंचेस उठ के आते हैं। तो अगर आप भी ऐसा वीडियो बनाना चाहते हैं तो लास्ट में बस कंक्लूड कर दूं,
कि आप अपने कैरेक्टराइजेशन पे ध्यान दीजिए, फिर उसके बाद परफॉर्मेंस में एक डिफरेंस होना चाहिए हर करेक्टर की। तीसरी बात, वीडियो जैसा भी हो उसकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, भले आप मोबाइल से बनाएं कैमरे से बनाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप देखेंगे उनके फेस पे हर जगह पे प्रॉपर लाइट है। बैकग्राउंड म्यूजिक का ध्यान रखें। स्क्रिप्ट लिखने में अगर टाइम लग रहा है लगने दीजिए, लेकिन जो चीज़ें लेकर आ रहे हैं, आइडिया लेकर आ रहे हैं, प्लॉट आइडिया, वो अपने आसपास से लाएंगे तो लोग कनेक्ट जल्दी होंगे। आप बताइएगा अगले किस यूट्यूबर का आप रिव्यू देखना चाहते हैं, मैं ज़रूर दिखाऊंगा आपको। मैं यही चाहता हूं कि आप जहां पर भी रहते हैं वहां से एक्शन लें, एक्टिविटी शुरू करें, काम करना शुरू करें, और उसके लिए ये डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत अच्छी चीज़ है जिससे आप अभी से शुरुआत कर सकते हैं। तो जैसा मैं हमेशा कहता हूं, डिजिटल इंडिया होने के बाद से अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बढ़ गई हैं। आप सब फिल्मों में टीवी में आना चाहते हैं, लेकिन ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है। आज देखते हैं आप, भुवन बाम बहुत जगह पे काम कर रहे हैं, एड वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से उनकी एक पहचान बन गई, उनका जो टैलेंट है वो प्रूफ हो गया। हम भी बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की कोशिश करें जो कि बहुत जल्द आपको जॉइन फिल्म्स में पता चलेगा। आप और किस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं ज़रूर बताइएगा। ये रिव्यू आपको कैसा लगा, आपको कौन सा और पॉइंट अच्छा लगता है भुवन बाम के वीडियो में, वो मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर पढ़ूंगा ताकि मैं भी कुछ जान सकूं। अगर अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी।